भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी, इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में इसका खुलासा किया है। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से जटिल एरोबिक जीव और फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगी, इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। 100 साल बाद समाप्त हो जाएंगे ये जीव। गौरतलब है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसान जैसे जटिल संरचना वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, लेकिन धरती की शुरुआत में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हाल भविष्य में 100 करोड़ साल बाद फिर होगा। धरती पर होने वाले वायुमंडलीय बदलाव की गणना। जापान के टोहो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काजुमी ओजाकी और अटलांटा के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्रिस रिनहार्ड ने धरती के क्लाइमेट, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिस्टम का एक विस्तृत मॉडल तैयार किया। इससे वैज्ञानिक भविष्य में धरती पर होने वाले वायुमंडलीय बदलाव की गणना कर रहे हैं। ऑक्सीजन के स्तर में भयंकर कमी। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 करोड़ साल तक धरती का ऑक्सीजन स्तर इसी तरह से बना रहेगा जैसे अभी है, लेकिन इसके ठीक बाद ऑक्सीजन के स्तर में भयंकर कमी आएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मौजूदगी स्थायी उपलब्धि नहीं रहेगी और इसके पीछे की वजह होगी सूरज के उम्र का ढलना। जैसे जैसे सूरज की उम्र ढलती जाएगी वो और गर्म होता जाएगा। इस तरह करेगा असर। सूरज के ज्यादा गर्म होने का असर धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इससे CO2 कम होने लगेगा, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी को सोखते की धरती की क्षमता में कमी आएगी। इसके बाद धरती का वायुमंडल टूटने लगेगा। CO2 में कमी आएगी तो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन का स्तर वर्तमान से लाखों गुना नीचे। जाहिर है पेड़ पौधे खत्म होंगे तो ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी आ जाएगी। इन फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स के खत्म होने से ऑक्सीजन में भारी कमी आएगी। क्रिस रिनहार्ड कहते हैं कि ये कमी बेहद भयावह होगी। इस समय ऑक्सीजन का स्तर वर्तमान समय से लाखों गुना नीचे रहेगा। ऐसे कुछ तमाम रहस्यों को जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।